क्या गूगल एडसेंस का अप्रूवल 5 पोस्ट लिखने के बाद मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। और 5 पोस्ट लिखने के बाद बहुत से लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। और 10 पोस्ट पे तो मैंने यहाँ पे प्रूफ भी आप लोगों को दिखाया था कि 10 पोस्ट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको कैसे मिल सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ गूगल एडसेंस का अप्रूवल के लिए, और अगली वीडियो में आपको प्रॉपरली कैसे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ये बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको जो हेड सेक्शन में कोड पेस्ट करने के लिए मिलता है उसे आप कैसे प्रॉपरली पेस्ट कर सकते हो। देखिए, अलग अलग थीम्स होते हैं और सभी थीम्स में जो हेड सेक्शन होता है वो अलग अलग जगह पे होता है। जैसे न्यूज़पेपर में थीम पैनल के अंदर होता है, अगर आप जनरेट प्रेस यूज कर रहे हो तो उसके लिए एलिमेंट्स का यूज करके आप यहाँ पे जो हेड सेक्शन होता है उसमें आपको कोड पेस्ट करना होता है। सो कैसे आप प्रॉपरली गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये जानो कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए, ठीक है? तो आइए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। अब वेबसाइट की डिज़ाइन को आपको क्या करना है, प्रॉपर नेविगेशन रखना है, मेनू अच्छे से रखना है, आपको कैटेगरीज रखने हैं, रिलेटेड पोस्ट रखने हैं, मतलब एक अच्छी सी जो वेबसाइट की डिज़ाइन है वो आपको करना है। और आप एक अच्छी डिज़ाइन के लिए आप विजिट कर सकते हो, bloggingskill.com को देख सकते हो, साथ ही साथ thehindibiography.in को देख सकते हो। तो आप खुद समझ पाओगे कि कैसे यहाँ पे आपको साइट का नेविगेशन रखना है ताकि आपको इजीली गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल पाए और वो आपको साइट नेविगेशन इरर का मैसेज दे के आपके गूगल एडसेंस को रिजेक्ट ना कर दे। तो काम ये करना है, डिज़ाइन कर लेना, ठीक है? दूसरा काम आपको ये करना है कि SSL सर्टिफिकेट आपको इंस्टॉल करके रखना है। बिना SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल किए आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना है। ये क्या है कि एक गलत गलत इम्पैक्ट जाता है एडसेंस के पास कि ये साइट जो है सिक्योर नहीं है। और डेफिनेटली आज के टाइम पे जो वेबसाइट HTTPS को यूज नहीं करती है तो उसको रैंकिंग में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो आपको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट पेजेस बनाने हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो गया, डिस्क्लेमर पेज भी आप बना सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट पेजेस होते हैं जो आपको डेफिनेटली क्रिएट करने हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे यहाँ पे ये पेजेस बनाए जाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप यहाँ पे बेसिकली यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि यहाँ पे आप टाइप कर देना कि इम्पॉर्टेंट पेजेस नीरज यादव, ऐसे आप टाइप कर दोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और आप इजीली यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं अपने वेबसाइट के लिए वो आप क्रिएट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको पोस्ट लिखने हैं। अब पोस्ट आपको ऐसे लिखने हैं जो इजीली रैंक हो पाए गूगल में और इंडेक्स हो पाए। अगर आप अच्छा कंटेंट लिखोगे जो अभी मैक्सिमम लोगों ने नहीं लिखा है, गूगल पर नहीं है, उस कंटेंट की कमी है, उसके बारे में आप लिखते हो और वो गूगल के एडसेंस पॉलिसी को पूरा फॉलो करके बनाई गई हो वो आर्टिकल, ऐसा ना हो कि आप मूवी डाउनलोड करना बता रहे हो वो तो तुरंत रैंक कर जाएगा बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, आपको भी पता है कि गूगल एडसेंस उस पर अप्रूवल नहीं देगा। तो आपको ऐसा कंटेंट लिखना है जो उसके गाइडलाइन को फॉलो करता हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल न्यूज का अप्रूवल ले लेना है। गूगल एडसेंस के अप्रूवल से पहले अगर आप गूगल न्यूज का अप्रूवल ले लेते हो तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि जैसे ही आप कोई पोस्ट लिखते हो वो तुरंत इंडेक्स हो जाती है और इंडेक्सिंग इशू आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। सो आपको गूगल न्यूज का अप्रूवल लेना चाहिए इंडेक्सिंग इशू को फिक्स करने के लिए। और जैसे ये फिक्स हो जाएगा आप अपनी साइट को गूगल एडसेंस के लिए सबमिट करोगे तो वो यहाँ पे देखेंगे कि हाँ इनके पोस्ट हैं गूगल में, इंडेक्स हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिव्यू करने में भी आसानी रहेगी और वो इजीली आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल दे सकते हैं। अभी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मुझे 5 पोस्ट पे अप्रूवल मिल गया, 10 पोस्ट पे अप्रूवल मिल गया तो आपको भी मिल जाएगा। आपको हो सकता है कि आपको 15 पोस्ट लिखने हों, 20 पोस्ट लिखने हों, उसके बाद आपको अप्रूवल मिले। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आपको अब ये नहीं सोच के काम करना है कि 5 पोस्ट ही लिख के अब मैं अप्लाई करूँगा।
आप पोस्ट लिखते रहिए, अगर आपको गूगल एडसेंस रिजेक्ट कर देता है फिर आप पोस्ट लिखते रहिए और रीसबमिट करते रहिए। कुछ टाइम में आप देखोगे कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। हाँ, उससे पहले लेकिन गूगल न्यूज का अप्रूवल मिल जाए तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो, आपको पता है कि हाँ ये भी चीज़ें चाहिए गूगल एडसेंस का अप्रूवल के लिए, तो आप कमेंट कर देना। और आप अगर जानते हो तो डेफिनेटली उस चीज़ को भी आप अप्लाई करना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अमेजिंग वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। धन्यवाद।